एवरीवन, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपनी सास का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है फॉल्स 498A के मैटर में, तो लड़के की सास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे उन सबका झूठ बेनकाब हो सके और आप केस में विजेता बन सके। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो होंगे केस टू केस डिफरेंट होंगे, लेकिन ये कुछ सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। क्या होता है कि कभी कभी आप केस हार रहे होते हैं, लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन आपका वकील तगड़े तरीके से कर देता है तो आप केस पलट सकते हैं, वहीं से बाजी पलट जाती। कई केसेस हमारे भी रहे हैं जिनमें हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद बाजी पलट दी है कम्प्लीटली। तो आज मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन डिस्कशन करूं, उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको भारतीय कानून, भारतीय सेक्शंस, धाराएं, जो भी नियमावलियां आ रही हैं वो बेहतरीन भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में पता चल सके। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिना अपॉइंटमेंट बुक किए हुए मुझे फोन ना करें, काइंडली अपॉइंटमेंट बुक करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है, वहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं। अपॉइंटमेंट के बाद ही मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगा, क्योंकि बिलीव मी 100-150 कॉल तो मिनिमम रोज आ ही जाती है और हमें उसमें से बहुत सारी फेक कॉल्स होती हैं, फर्जी कॉल्स होती हैं, तो आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है। इसलिए आप प्लीज अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, उसके बाद ही मेरी आपसे बात हो पाएगी। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि घर को बिगाड़ने और बनाने में सास का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो लड़के की सास हो या लड़की की सास हो, दोनों ही घर को बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। लड़के के मदर फादर जो भी हैं, वो दोनों क्या करते हैं, कन्यादान करते हैं, उनकी लड़की है, जाहिर सी बात है वो करेंगे, और वो उसके घर को बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें वो ठीक हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो षड्यंत्रकारी हो जाती हैं, जैसे कि षड्यंत्र क्या करेंगे, आपके माता पिता के अगेंस्ट यानी लड़के पक्ष के माता पिता के अगेंस्ट करने लगेंगे, उसके भाई बहनों के अगेंस्ट करने लगेंगे, जिससे उनकी बेटी एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में रहे। अप्रोप्रिएट का तात्पर्य मतलब सेपरेट लिविंग हो जाए उसकी उसके हस्बैंड के साथ। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता, फिर भी वो छोड़ने पर विवश हो जाता है इन सब षड्यंत्रों के तहत, तो आप ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन करें कि जैसे उनका षड्यंत्र जो भी आपके परिवार के अगेंस्ट है या जो भी आरोप आपके परिवार के अगेंस्ट लगाए गए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर हो, चाहे वो मैटर आपका 498A का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का मैटर हो, आप क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे करें कि वो फंस जाए। तो आज हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सास से पूछें आप, ये देखिए आज। तो पहला क्वेश्चन आपको अपनी सास से जो पूछना है क्रॉस एग्जामिनेशन में, कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो आंसर बताएंगे मेरे इतने लड़के हैं या इतनी लड़कियां हैं। चलो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि आपकी जो भी बाकी लड़कियां हैं, क्या उनकी शादी हो चुकी है या आपके लड़के की शादी हो चुकी है। तो आपके लड़के की शादी हो चुकी तो आपका बहू कहाँ रहती है, आपका बेटा कहाँ रहता है, तो बेटा बाहर क्यों रहता है, आपकी बहू आपसे अलग क्यों रहती है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या आप अपने बहू बेटी को साथ नहीं रखना चाहती, ये पूछना है आपको। या उसके बाद आप उससे पूछिए कि आपकी लड़कियां हैं तो कितनों के मुकदमे चल रहे हैं, क्या किसी ने अन्य लड़की ने भी आपके दामाद के ऊपर 498A का मुकदमा कर रखा है या कोई भी मुकदमा कर रखा है। अगर हाँ कर रखा है तो ये क्लियर हो जाएगा इस परिवार की इंटेंशन क्या है, ये परिवार करता क्या रहता है, मतलब लोगों को फंसाता रहता है। अब मान लो अगर आपकी बेटियों की शादियां हुई हैं तो कहाँ कहाँ शादियां हुई हैं, ये सारी विवरण डिटेल पूछना है आपको। ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं जो आप पूछते हुए चले जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि आपको पूछ लेना है कि क्या केस चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, कौन कौन से धाराओं में केस चल रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछना है, जो फंसाने के लिए होता है, बहुत ज्यादा इनका इंट्रोगेशन नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन इनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इनसे पूछना है कि आप अपनी बेटियों से रोज बात करती हैं, तो जाहिर सी बात है माता जी का उत्तर होगा कि बिल्कुल हम अपनी बेटियों से रोज बात करते हैं। अब उसके बाद पूछना है आप कितनी देर बात करती हैं, ठीक, कितनी देर बात करती है, तो अब वो सकपका जाएंगे, क्योंकि आजकल पतियों की शिकायत यह है कि सासू माँ और उनकी फैमिली वाले कम से कम उनकी बीबी से 5 से 6 घंटा बात करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछना, अगर आपके पास एविडेंसेस है कि वो 5 से 6 घंटा रेगुलर बात कर रही है, तो आप पूछिए 5 से 6 घंटे आप में आप क्या बात करती हैं। तो वो कहेंगे हालचाल लेते, तो आप उनसे पूछो हालचाल लेने में कितना समय लग जाएगा, तो वहां पर वो फंस जाएंगे, वो थोड़ा चिड़चिड़ाएंगे, कहेंगे, तो आप उसमें कहेंगे आप हालचाल नहीं लेती हैं, आप उनके घर को तोड़ने का प्रयास करती हैं, कैसे आप अपने बेटी को जो है सेपरेट घर करवाएं, उसके पति को उसके माँ बाप से कैसे अलग करवाएं। तो यहां पर सासू माँ चिड़चिड़ा जाएंगी, तड़पने लगेंगी एकदम से, फिर वो क्या करेंगे, उल जलूल जवाब देने लगेंगे। गुस्से में जब क्या होता है, इंसान बौखलाहट में आता है, क्रोध में आता है, आवेश में आता है, तो गलत उत्तर देने लगता है, गलत बातें कहने लगता है, वो सोचने समझने की शक्ति उस समय जो है अपनी खो देता है।
तो इसमें सासू मां डिस्टर्ब होने लगेंगी। फिर उसके बाद उनसे पूछना है बेटी का हालचाल आप रोज लेती हैं, कहेंगे हाँ रोज लेती हैं, तो मतलब आप कैलकुलेशन करके बताइए कि मतलब अगर दिन में आप रोज 5 घंटा बात कर रही हैं तो महीने में कितने घंटे हो गए, तो आप 24 घंटे में से 5 घंटे सिर्फ जो है उनके फोन पे निकाल दे रहे हैं, तो बाकी काम कैसे करेंगी वो। तो लड़ाई तो जाहिर सी बात है आपकी बेटी के घर में होगी होगी, अगर आप उसको कोई कार्य नहीं करने देंगे, सिर्फ फोन पर आप उसको सिखाती रहेंगी पढ़ाती रहेंगी तो आगे आखिरकार कार्य कैसे करेगी। तो इस तरीके से आपको कि आपकी कॉन्स्पिरेसी है, आपका षड्यंत्र है उसके घर को तोड़ने में, खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो अगर आपकी बेटी का घर टूट रहा है तो। ठीक, उसके बाद पूछो कि जो है क्या मतलब आपने कभी अपनी बेटी को जो है अपने नो दामाद के परिवार के विरुद्ध या उसके विरुद्ध भड़काया है। वो कहेंगे नहीं भड़काया है, तो आप फिर ये कंक्लूड करिए कि भाई 4-5 घंटे अगर आप बतिया रही हैं तो आपने भड़काया कैसे, नहीं क्यों नहीं भड़काया, आपने शादी में उनको क्या क्या दे रखा हुआ था ये पूछिए। वो बताएंगे मैंने इतना दहेज दे रखा था या ये किया था, तो उनको बताओ दहेज लेना देना तो अपराध है, आप कैसे कह रही हो कि आपने दहेज दे रखा था। आप पूछिए कि जो है आपसे पहली बार डिमांड कब की गई थी, तो अगर वो झूठ बोल रही है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा, या बोलेंगे कि जो है मेरी बेटी जो है लगातार अब मायके में रह रही है और ये लोग प्रताड़ित करते थे। तो आप उससे पूछो अगर डिले इन FIR है तो भैया अगर आपकी बेटी लगातार मायके में आप बता रही हो 1.5-2 साल से रह रही है तो उन लोगों ने प्रताड़ित कब कर दिया, जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा लिखा दिया। या अगर आपसे डिमांड कोई करी गई थी, फर्दर डिमांड कोई करी गई थी, तो आपको ये पूछना है कि अगर डिमांड करी गई थी तो अगर आपसे डाउरी की इमीडिएट डिमांड करी गई थी तो आपने इमीडिएटली FIR क्यों नहीं लिखाई। वो कहेंगे कि हमारे परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो FIR में तो आप उनको कहना चाहिए कि FIR लिखाने में तो कोई पैसा नहीं लगता, आप जाती महिला आयोग चली जाती, मान लीजिए आप महिला थी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस तरीके से आप उनको फंसा लीजिए। तो मतलब हर केस को लेके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, लेकिन एक कुछ सेट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए। जिस तरीके से अपना क्रॉस एग्जामिनेशन निकाल पाइए निकालिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का रोल बहुत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मैं और आप एक दूसरे के टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।